नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। सुर्खियों में रहना किसे पसंद नहीं है, और अगर नेताओं की बात करें तो नेताओं को खूब भाता है सुर्खियों में रहना। कुछ ऐसा ही इन दिनों बिहार के डेहरी विधानसभा के आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह जो हैं वो कर रहे हैं। कुल कहें तो 3.5 साल तक वो विधायक रहे, कभी भी ऐसा एक भी विवादित बयान नहीं दिया। अचानक पता नहीं उन्हें क्या हो गया, दुर्गा पूजा के मौके पर वो विवादित बयान देते हैं, माँ दुर्गा को लेकर विवादित बयान देते हैं और महिषासुर की जाति भी अब बताते हैं। कौन सा ज्ञान उन्हें अचानक मिल गया ये पता नहीं, लेकिन अब इसको लेकर बिहार में खूब सियासत जो है वो हो रही है। आरजेडी वाले जो हैं वो एक तरह से पूरे मामले को लेकर चुप्पी जो है उन्होंने साध रखा है। प्रवक्ता से लेकर नेता तक कोई भी जो है वो बोलने से बचते रहे। इस बीच आरजेडी के तेज तर्रार विधायक, शिवहर से आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने बड़ा बयान दिया है फतेह बहादुर सिंह को लेकर। ट्विटर के माध्यम से चेतन आनंद जो हैं वो लिखते हैं कि माँ दुर्गा अंधविश्वास की पात्र नहीं, मूर्ख हैं वो लोग जो महिषासुर को नायक मान बैठे हैं। अंधविश्वासी तो वह लोग हैं जो मानते हैं कि अपने ही धर्म को कोसकर उन्हें किसी और का वोट प्राप्त होगा। अपना धर्म सबको प्रिय है, सेक्युलरिज्म का मतलब सबको साथ लेकर चलना होता है, खुद के धर्म को नीचा दिखाना नहीं। जय हिंद। पार्टी की लाइन आरजेडी की कोई भी हो, लेकिन आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने अपनी लाइन जो है वो क्लियर कर दी है। लाइन ये कि फतेह बहादुर सिंह ने जैसा कहा वो बिल्कुल नहीं है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और साथ ही ये नसीहत भी दी है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है वो अपने जगह है, लेकिन कभी भी जो है वो इस तरीके का बयान जो है धर्म को लेकर, धर्म को कोसने को लेकर किसी को भी नहीं देना चाहिए। सेकुलरिज्म का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप धर्म और धर्म से जुड़े पात्रों को जो है वो गलत ठहरा है। सेक्युलरिज्म का मतलब सबको साथ लेकर चलना होता है, खुद के धर्म को नीचा दिखाने के लिए नहीं। देखिए, फतेह बहादुर सिंह जो कि बिहार के डेहरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, साउथ बिहार का इलाका है, वो इस वक्त ऐसा क्यों बयानबाजी कर रहे हैं वो तो खुद ही जाने, लेकिन चेतन आनंद का ये मानना है कि धर्म को कोसकर किसी को वोट प्राप्त जो है वो नहीं होने वाला है। चेतन आनंद ने अपनी खुद का लाइन जो है वो क्लियर जो है वो कर दिया है, माँ दुर्गा अंधविश्वास की पात नहीं, मूर्ख हैं वो लोग। वो अपने ही पार्टी के विधायक को मूर्ख बता रहे हैं, हैं चेतन आनंद। तो कुल मिला के बीजेपी वाले लगातार अटैकिंग मोड में हैं, क्योंकि हमला जो है वो माँ दुर्गा पर बोला गया था और महिषासुर की जो जाति जो है वो बताई गई थी। तो कुल मिला कहें कि चेतन आनंद ने अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ट्वीट के माध्यम से बड़ा हमला बोला है, मूर्ख तक करार दिया है चेतन आनंद ने। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।